नमस्कार। आज का हमारा पाठ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस पाठ की मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण शब्दावली आज बता रही हूँ, जिससे पाठ को समझने में आपको आसानी रहेगी। कुछ छोटे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम इस पाठ में लेकर के चलेंगे। सबसे पहला इसमें वर्ड आ जाता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? सुंदर, जब हम किसी लेख को लिखते हैं सुंदर तरीके से, कलात्मक तरीके से, तो वह लेख और लेखन कला सुलेखन कहलाता है, यानी कैलीग्राफी कहा जाता है। दूसरा वर्ड आता है कंपोजिटर। कंपोजिटर वह व्यक्ति जो इबादत को छापने के लिए संगठित करता है, यानी जब किसी भी टेक्स्ट को लिखा जाता है तो उसे ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। गैली क्या है? गैली एक धात्विक फ्रेम होता है, एक धातु का फ्रेम होता है जिसमें टाइप बिछाकर टेक्स्ट बनाया जाता है। बैलेड क्या है? लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान किया जाता है, यानी लोकगीत सुनाया जाता है उसे हम बैलेड कहते हैं। इसे हिंदी में गाथा गीत भी कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है? प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन है यह क्या है? 16वीं शताब्दी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का एक आंदोलन चलाया गया था, उसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार या रिफॉर्मेशन बोलते हैं। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। सेडिशियस क्या है? जब कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार का विरोधी कार्य या भाषण या कुछ लिखना, न्यूज़पेपर आदि में कुछ लिखने का जो कार्य होता है उसे सेडिशियस कहा जाता है। डिनोमिनेशन क्या है? डिनोमिनेशन होता है किसी भी एक धर्म का उपसमूह, उसे हम हिंदी में संप्रदाय भी कहते हैं। जब कोई धर्म होता है उसमें भी अलग अलग समूह में वो बट जाता है तो उसका एक उपसमूह बन जाता है, उसे हम डिनोमिनेशन कहते हैं। चैप बुक क्या है? चैप बुक को हिंदी में गुटका कहा जाता है। छोटी सी एक बुक होती है जिसे हम गुटका कहते हैं, और यह छोटी बुक पॉकेट बुक के आकार की होती है। इस छोटी जो पॉकेट बुक होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसे गुटका कहते हैं, और ये ज़्यादातर फेरी वाले लोगों के द्वारा बेची जाती है। 16वीं शताब्दी में जब जो मुद्रण क्रांति आई थी, यानी प्रिंट रिवॉल्यूशन आई थी, उस समय गुटका जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ, यानी छोटी छोटी बुक्स, पॉकेट के साइज की बुक्स जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। डेस्पोटिज्म क्या है? डेस्पोटिज्म एक वर्ड आ रहा है आपके चैप्टर में, इसको हिंदी में हम निरंकुशवाद भी कहते हैं। राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हों और उस पर कोई भी कानूनी रोक टोक ना हो, यानी एक व्यक्ति को सारी शक्तियां मिली हुई हैं, कोई उस पर रोकने वाला ना तो संवैधानिक अधिकार है, ना ही कोई कानून बनाया गया है जिससे वह रुक सके। इसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। इधर निरंकुश का मीनिंग ही होता है जो जिसमें अंकुश ना हो, रोक टोक ना हो। इंग्लिश में इसे कहते हैं डेस्पोटिज्म। उलेमाज एक वर्ड आया है। उलेमाज ये इस्लामी कानून और शरिया के जो विद्वान लोग हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म का जो कानून है उसके जानकारों को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। फतवा क्या है? देखिए, अनिश्चय या जब असमंजस की कोई स्थिति होती है तो इस्लामी कानून जानने वाले लोग, यानी उलेमाओं के द्वारा, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा, यानी कि
जो इस्लाम के कानून के जानकार लोग हैं वो एक ऐसी घोषणा कर देते हैं, एक फतवा जारी कर देते हैं जो बिल्कुल वैधानिक होता है। मार्को पोलो एक महानतम कौन थे? वैज्ञानिक थे, अन्वेषक थे और चीन में कई वर्षों के खोज के बाद 1295 में इटली लौटे थे। ये 1295 में इटली आए थे और यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक की छपाई कैसे की जाती है, यानी कि लकड़ी के ब्लॉक पर इंक लगा करके छपाई कैसे की जाती है, ये इन्होंने खोज की थी मार्को पोलो ने। स्क्राइब्स क्या है? स्क्राइब्स देखिए कुछ निपुण व्यक्ति होते हैं, परफेक्ट होते हैं जो अपने काम में, और जो पांडुलिपि लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं किसके लिए? एडिटर्स के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? लिपिक कहा जाता है, लिखने वाले लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता है, लिपिक कहा जाता है। बिब्लियोथेक ब्लैक क्या है? बिब्लियोथेक ब्लू जो है ये सस्ते मूल्यों की छोटी पुस्तक होती हैं जो फ्रांस में छपती थी, और इनकी छपाई जो होती है वो बहुत ही घटिया कागज़ की होती है, और इनका जो ऊपर का कवर होता है वो नीले रंग का होता है, बहुत ही सस्ता सा, इसे बिब्लियोथेक ब्लू कहते हैं। जोहान गुटेनबर्ग क्या है? जोहान गुटेनबर्ग एक जर्मनी के सुनार थे और ये आविष्कारक भी थे। इन्होंने यूरोप में एक चलने वाली ऑटोमेटिक जो टाइपिंग मशीन है उसका आविष्कार किया था। इस प्रकार से आपने इस पाठ में देखा कि जो मुख्य शब्द हैं ये बार बार आपके चैप्टर में आते हैं, जब तक आपको इनका मीनिंग पता नहीं है तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है। बात करते हैं छपाई की, कि सबसे पहले मुद्रण की टेक्निक यानी छपाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? जापान, कोरिया और चीन में ये सबसे पहले छपाई का काम शुरू हुआ था, यानी पेपर पर जो हम अभी अब बुक्स पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर, छपाई का काम सबसे पहले जापान में, कोरिया में और चीन में विकास इसका हुआ था। कागज़ का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में हुआ था। प्रश्न आ जाता है कैलीग्राफी क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी था सुंदर और अच्छे अक्षर लिखने की कला, सुडौल अक्षर यानी बिल्कुल तरीके से, तरकीब से जो अक्षर लिखे जाते हैं उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि 1768 से 70 के आसपास कौन सा व्यक्ति छपाई की तकनीक लेकर के जापान आया था? इसका उत्तर आएगा चीन का एक बौद्ध प्रचारक था जो सबसे पहले छपाई की टेक्निक लेकर के आया था। जापान की सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास योहान गुटेनबर्ग ने किया था। योहान गुटेनबर्ग की जो सबसे पहली पुस्तक थी उसका नाम बाइबिल है। फेरी वालों के द्वारा जो पॉकेट के आकार की बुक बेची जाती है उसे चैप बुक्स कहा जाता है। टोक्यो का पुराना नाम एदो भी है। गीत गोविंद नाम की पुस्तक जयदेव ने लिखी थी, यह प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। आमार जीवन की लेखिका है रस सुंदरी देवी। जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी पुस्तक गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फुले। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? कैथोलिक पुजारियों ने यह पुस्तक छापी थी।
कौन सा नाम केसरी समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ है? केसरी समाचार पत्र जो है वो बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए हैं। ऐसी पुस्तक का नाम बताइए जिसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा गया। उत्तर है गुलामगिरी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? इसका उत्तर आएगा 16वीं शताब्दी के मध्य में।